दरअसल जिथे दस दईए नवजोत सिद्धू ते प्रगट सिंह की खुली बगावत तो इलावा दो मंत्रियों ते दो सांसद मैंबरां दी नाराजगी ने पंजाब कांग्रेस अंदर नवे हालात पैदा कर दिते ने। इन्हां लीडरां दीआं लगातार शिकायतां दा नतीजा यह है कि हाईकमान नूं पार्टी लीडरशिप की कमेटी बना के रायशुमारी करवानी पई है। इस रायशुमारी च कैप्टन विरुद्ध वड्डी गिणती च विधायकां दी नाराजगी सामने आई है, जिथे अजिहे हालात विच केंद्रीय लीडरशिप हुण सत्ता दा संतुलन बिठाउण लई जमीन तैयार कर रही है। यह तय है कि जे सिद्धू नूं दोबारा सरकार च शामिल करन उते गल नहीं बनती तां उहनां नूं सूबा कांग्रेस दे प्रधान दी जिम्मेवारी जां फिर चोण लई गठित अहम कमेटी दा चेयरमैन बना के मैदान च उतारिया जा सकदा, जिथे इह वी चर्चा च सी कि माहौल विच कैप्टन दी कुर्सी दे पावे हिल सकदे ने, पर फिलहाल अमरिंदर दे ही कैप्टन बने रहण दीआं संभावनां वध गईआं। राज विच पार्टी अंदर चल रहे मतभेद नबेड़न लई गठित उच्च पदरी कमेटी नूं 3 दिनां दी कवायद तों बाद हुण इह अहसास हो गया कि दरअसल पार्टी दे अध तों वध विधायकां ने कमेटी सामने मुख मंत्री दी कार्ज प्रणाली ते सारे मुद्दिआं नूं लै के वड्डी नाराजगी विखाई है, पर ज्यादातर चोणां तों पहलां फिलहाल कैप्टन नूं हटाउण दे हिमायती विखाई नहीं दिते। 1984 च सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे फौज की गोलीबारी दौरान जख्मी हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संतां नूं दर्शन करवाउण लई अज शहीद बाबा गुरबख्श सिंह पावन स्थान विखे दर्शनां लई सुशोभित कीता गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप 37 साल बाद संतां लई होए विराजमान। जून 1984 च सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अते श्री अकाल तख्त साहिब दे सरकार वल्लों वैशियाना ढंग नाल कीते गए फौजी हमले दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब च सुशोभित गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गोली लगन कारण जख्मी होए पावन सरूप दे संगत नूं दर्शन करवाए जा रहे ने। इस मौके श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा है कि जून 84 दे घल्लूघारे नूं सिख कौम कदे नहीं भुल सकदी। इह ओह रिश्ता जख्म है जो 37 साल बाद भी पीड़ामयी है। दस दईए कि बीबी जगीर कौर ने बीते दिन कहा सी कि 1984 घल्लूघारे दौरान जख्मी होए गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप समेत होर निशानियां नूं संगत सामने लियांदा जावेगा। इसे तहत शहीदी हफ्ते दौरान जख्मी पावन स्वरूप नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे नज़दीक स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह विखे 3 तों 5 जून तक संगतां दे दर्शनां लई सुशोभित कीता जावेगा। इसे दे नाल ही पावन स्वरूप च लगी गोली नूं वी प्रदर्शित कीता जावेगा। उधर खबर अमरीका तो है जिथे राष्ट्रपति जो बाइडन ने टूलसा च स्याह कौम भाईचारे नूं ताउमर पीड़ देने वाली नशाकुशी च 2 साल पूरे होने के मंगलवार को ऐलान किया है कि वह उस चुप नूं तोड़न आए हैं। जिथे राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि जो देश विच नस्ली हिंसा दियां बेहद दुखदायी घटनावां चो एक बारे तार के रखी हुई है। बाइडन ने कहा है कि कुछ आन्या इन्ने नफरत भरे गंभीर डरावने अते भयानक हुंदे हन कि उहनां नूं दबाया नहीं जा सकदा, चाहे फिर उह लोक इस लई किन्ने वी यतन क्यों ना कर लैण। उहनां कहा है कि अजिहे विच सिर्फ सच ही मलम दा काम कर सकदा है। बाइडन ने ग्रीनवुड एवेन्यू च इतिहासक वर्णन अफ्रीकन एपिस्कोपल चर्च दे सामने करीब एक सदी पहला गोरिया वालों दे घाट उतारे गए सैकड़े स्याह फार्म लोगों की यादगार से श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने ग्रीनवुड जिथे उन्होंने ग्रीनवुड सभ्याचारक केंद्र विच इतिहासक तस्वीरां नूं दिखाया, नक्सलकुशी के 3 पीड़ितों नाल मुलाकात भी की है। उथे ही राष्ट्रपति ने कहा है क्योंकि इतिहास इस बारे चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि उथे अजिहा कुछ होया ही नहीं सी। मैं इतने इस चुप नूं तोड़न आया हाँ क्योंकि यह जख्म नूं डूंगा कर दिया। बाइडन ने कहा है कि हुण इन्हां दी पूरी कहानी सामने आवेगी। आज साडे खास बुलेटिन विच इन्ना ही, नवीं ते ताजे खबरां लैके जल्द हाजिर होवांगे। तद तक मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद। देश दुनिया की हर खबर ते नज़र रखन दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।